शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये सही नहीं है, तुम मेरे भाई की पत्नी और अब मैं तुम्हें उसी नजर से देखता हूँ। तुमने मुझे धोखा दिया है अंजलि, आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। 24 घंटे होने में अभी भी 5 मिनट बचे, साइन कर दो पेपर्स। हम मर जाएंगे लेकिन ना तो हम डिवोर्स पेपर साइन करेंगे और ना ही अपने यश जी से दूर जाएंगे। जोर पड़ना है, जब लड्डू गोपाल साथ है तो फिक्र की क्या बात है। हे राम, अरे निवाला कैसे उतर रहा है तेरे गले के अंदर? मम्मी प्लीज आप जाओ यहां से, मुझे अंजलि से कुछ बात करनी है। कैसी हालत हो गई है तेरी अंजलि? वक्त वक्त की बात है, तूने मेरे यश को मुझसे छीना था ना, देख यश फिर से मेरे पास आ रहा है। तो हमारा शक सही था, तू भी इस खेल में शामिल है ऋचा। तूने वो कहावत तो सुनी होगी ना अंजलि, प्यार और जंग में सब जायज है। अब देख यश तुझे देखता तक नहीं और मैं हमेशा उसके आसपास रहती, मासा कितनी जल्दी पलट गया ना। भूल मत, धर्म पत्नी है हम की एक नहीं, जन्मों जन्मों का साथ है हमारा। यश मेरा प्यार है अंजलि, जो मेरी किस्मत बन चुका है, मेरे हिस्से में आ चुका है वो। पति पत्नी जब एक दूसरे का हाथ थाम कर दिल से जन्मों जन्मों तक साथ निभाने का वचन लेते हैं तब देवताओं का आशीर्वाद बरसता है। रिचा तू हार जाएगी, रिचा मुझे इस हार जीत के खेल में कोई इंटरेस्ट नहीं अंजलि, कोई बाजी नहीं खेल रही हूं। फिर हमारी जिंदगी तबाह करने पर क्यों तुली हुई है तू? तूने भी तो यही किया था, मजा आएगा, चल दोनों लड़ते हैं। जंग का ऐलान हो चुका है अंजलि, अब तू देख तुझे मैं कहां तक पहुंचाती हूं।
बहू जी, अंजलि तो ठीक है ना? बड़ी चिंता हो रही है तुम्हें अंजलि की? जिस अंजलि के तुम इतने गुण गाती रहती हो ना, आज उसने अपना असली रंग दिखा दिया है। क्या हुआ बहू जी, ऐसा क्या कर दिया अंजलि ने? हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। एक नहीं, दो दो मर्दों को अपनी उंगली पे नचाना चाहती है वो। जी, कैसी बातें कर रही हैं बहू जी? कोई अगर यमुना के बीच में जाकर खड़े होकर भी कहेगा ना ये बात, तब भी हम यकीन नहीं करेंगे। यमुना जी में जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, गर्ग भवन में चली जाओ, अपनी आंखों से देख लो अपनी मासूम अंजलि की सच्चाई। पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी है बहू जी की अंजलि से। रिचा के दिमाग में अजीब सा फितूर सवार, कैसे समझाएं हम उसे? घर वालों को कैसे बताएं कि वो लोग जो सोच रहे हैं वो सच नहीं है? चूहा, चूहा! क्या हुआ द्रौपदी जी? चूहा, ये क्या जी, चूहा! चूहा, 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 जो हो जाए, किसी भी कीमत पर हम इस उलझन को सुलझाएंगे। अब जो यश जी को वापस अपनी जिंदगी में लाकर रहेंगे। आज मेरी रिचा का जन्मदिन है उमा भाभी, तो मैंने सोचा घर के सभी लोग अंजलि की करतूतों की वजह से तनाव में हैं और यश को भी इतना बड़ा झटका लगा है कि माहौल मातम सा हो गया है, तो क्यों ना रिचा के जन्मदिन के बहाने कुछ ऐसा करें जिससे सब लोगों को थोड़ी राहत महसूस हो। दिमाग तो सही लगाया तूने। हाँ अलका भाभी, हम रिचा का जन्मदिन जरूर मनाएंगे और बिल्कुल वैसे ही मनाएंगे जैसे वो चाहेगी। क्या चलने की बदबू कहां से आ रही है? पूरे परिवार से दूर करके बड़ी ठंडक पहुंच रही है कलेजे में। सजा दे रही हूं,
ताकि दोबारा ये गलती ना करे। आज तो बर्तन जलाया है, कल को घर जला देगी। जरूरी था ये सबक, ये जिंदगी भर नहीं भूलेगी। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, कोई ऐसी खुराफात मत करना जिससे उसका दिन खराब हो जाए। और हाँ, कोई जरूरत नहीं है तुझे पार्टी के बीच में घुसने की। थैंक यू केशव भैया, गिफ्ट ले लीजिए। अंजलि, अरे बस बस, खुश रहे। कैसी है तू? ठीक तो है? हम जानते हैं कि आप हमें लेके कितनी परेशान हैं, लेकिन भरोसा रखिए माई, आपकी अंजलि जल्दी ही नालातों से बाहर निकल आएगी। माई, जब लड्डू गोपाल साथ हैं तो फिक्र की क्या बात है? बस ऐसे ही खुश रहकर। आप बैठिए, हम आपके लिए शरबत लेकर आते हैं। हाँ लो लो। नहीं, वहां दे दीजिए। अरे यार रिचा, कुछ मजा नहीं आ रहा, कुछ म्यूजिक म्यूजिक लगाओ ना, डांस वांस करेंगे तब भी तो पार्टी जैसी फीलिंग आएगी। Just wait and watch, guys. अभी तो बहुत बड़ा जश्न होने वाला है। तुम्हारी लाडली मेरे हाथ से तो कुछ लेगी नहीं, ये लो तुम ही दे दो उसे। ये भौजी का आज मन परिवर्तन कैसे हो गया जो अंजलि के बारे में सोच रही है? यश, गाइस इनसे मिलो, ये है यशकर, मेरे बचपन के दोस्त। यश मेरा बेस्टी है। लेकिन तेरी आंखों में तो यश के लिए कुछ और ही दिखाई दे रहा है। मैं ठीक कह रही हूँ ना? मैं यस। लेट्स डांस, म्यूजिक। Hey.
बात तो सुनिए ना यश जी। तमाशा तो करना ही था, लेकिन इस चक्कर में अंजलि यश के करीब आ गई। आराम करो अंजलि। अंजलि, तूने जो आज किया है उसकी कीमत तुझे चुकानी होगी। अब देखना, मैं ऐसा धमाका करूंगी कि जिसकी गूंज तेरे कानों में गूंजती रह जाएगी। हमने उसी दिन तुम्हारे बच्चे को जन्म दिया और समाज के डर से हमने उसे अनाथालय में डाल दिया और हमारा नाम बदलकर हम अपने नए सफर पर निकल पड़े। पता नहीं कहाँ होगी हमारी बच्ची। इसका मतलब ये मधु ही सुधा तिवारी हमारी माँ। एक अनोखे बंधन से बंधी अंजलि की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।